हाँ तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और अंडा जर्मनी 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ भर्ती। मैंने लिखा सीआरपीएफ भर्ती और नीचे लिखा आपका ट्रेड्समैन और आपका ड्राइवर। सबसे अच्छी वैकेंसी है, सबसे लंबे टाइम के बाद आ रही है। कब ये वैकेंसी आ रही है, कितने आपका कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म है, कितनी आपकी पोस्ट हो सकती है, पहले इसमें क्या होगा, एग्जाम कौन लेगा, इस सारी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। लास्ट तक बने रहने के साथ साथ एक बात बता दूं, आप यदि बीएसएफ ट्रेड्समैन स्पेशल आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वो बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रहा है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ जी हाँ, जो बच्चा सीआरपीएफ को आने वाली भर्ती की यदि तैयारी करना चाहता है, वो भी बच्चे को ध्यान से सुन ले। सीआरपीएफ भर्ती के लिए भी मैं आपका स्पेशल बैच जैसे बीएसएफ ट्रेड्समैन का चलाने वाला चला रहा हूँ, वैसे आपका सीआरपीएफ की भर्ती के लिए चला रहा हूँ। अब बात आती है कि आप में क्या क्वालिटी है मेरे में कि आपका ये बैच में आपको करा सकूँ। तो ध्यान रखना, आसाम राइफल रैली भर्ती का मैंने बैच चलाया था, उसमें जो बच्चे एग्जाम दे के आए उससे आप यदि कोई कांटेक्ट में हो और यदि उसने मुझसे पढ़ाई की हो तो वो ध्यान से वो बता देगा आपको। मैंने आपके 1700 से 1800 लगभग क्वेश्चन डाले थे टेलीग्राम पर, आपके 18 से 19 क्वेश्चन मात्र 1700 से 1800 क्वेश्चन में, वो भी पेपर में एजीटी आ गए थे, यानी कि ऐसे के ऐसे आ गए थे। तो ये बड़ी बात तो हुई कि नहीं। एक तो दूसरी बात, मैंने बोला था कि मैथ मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैथ के अंदर मैंने बोला था आपको कि सारे के सारे आपके 56 मिति वगैरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आसाम राइफल में। तो जो बार बार का आपका टेस्ट हुआ ना, उसमें सारे के सारे 25 के 25 क्वेश्चन एक ही प्रश्नावली से थे। ठीक है, आपका रीजनिंग मैंने सबको बता रखा है, रीजनिंग आपको बता रखा है भाई। आपका श्रृंखला पद्धति आप ध्यान से पढ़ लो, आसाम राइफल में श्रृंखला पद्धति से आपके 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, और श्रृंखला पद्धति जो मैंने करा रखी है वो पढ़ के गया ना आराम से, उसके 22 क्वेश्चन चाहिए। आप सोच सकते हो यार। तो इस भर्ती की भी यदि आप तैयारी करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस वर्क करना है। और साथ में बता दूं आपको, जो बच्चा अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा, टेलीग्राम चैनल से जरूर जोड़ देना। सीआरपीएफ आपका जब भी आएगी है, ट्रेड्समैन कॉन्स्टेबल, ट्रेड्समैन भर्ती और ड्राइवर की, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सीआरपीएफ की जो तैयारी करना चाहता है ना, वो बच्चा भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि आपका सीआरपीएफ भर्ती में देखो, सबसे पहले तो मैं इसकी बात कर दूं कि आपकी भर्ती आई कब थी। ये मैंने 5 साल इसलिए रखा है कि भर्ती कब आई थी और कब ये भर्ती आ सकती है, ये दो बात कर सकते हैं। देखो, भर्ती आई थी 2017 के अंदर, उसके बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की कोई भर्ती नहीं आई। लगभग लगभग यहाँ पर 5,000 प्लस पोस्ट खाली है, एक साथ सीआरपीएफ सारी भर्ती को भरेगा नहीं। अब बता दूं मेन कारण भर्ती आने का, सबसे ज्यादा तो जो एज इन्होंने बढ़ा दी कि आपका एज में आपका कि 60 साल कर दिया, आप रिटायरमेंट होने की, उस कारण से एक तो बड़ी भर्ती नहीं आई। दूसरी बात ये कि ट्रेड्समैन पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ट्रेड्समैन सीआरपीएफ ऐसी फोर्स है जो इंडिया की आपके तीनों डिफेंस के जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, उसके बाद में गृह मंत्रालय के अधीन सबसे बड़ी फोर्स आती है सीआरपीएफ। ठीक है ना, तो आप सोच सकते हो सीआरपीएफ में बहुत जवानों की आवश्यकता है इस वक्त। तो 5,000 प्लस आपकी पोस्ट आपकी ट्रेड्समैन की खाली है। अब देखो कितनी पोस्ट पर आ सकती है ये भर्ती। देखो सारी पोस्ट एक साथ नहीं भरी जाती, कुछ पोस्ट आपकी रिजर्व में रखी जाती, कुछ पोस्ट खाली रखी जाती है। तो 4,000 प्लस आपकी ये पोस्ट आ सकती है, जिसमें से ड्राइवर के 2,000 प्लस पोस्ट हो सकते हैं अकेले ड्राइवर के। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, कब से ऑनलाइन स्टार्ट है ये भी हम बात कर लेते हैं सीआरपीएफ में, कब से आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। तो मैं बता दूं, ध्यान से सुनना अभी जो बता रहा हूं आपकी, या तो आपका यदि कोविड का कारण से हो सकता है कोई आपका 1-2% पोस्टपोन आगे भी जा सकता है,
पर आपको बता दूं, फरवरी, फरवरी या मार्च फर्स्ट में ये आपका भर्ती फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी लास्ट या मार्च में आप फर्स्ट में आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल आपको 100% देखने को मिल जाएगा। अब यदि कोई कारणवश होता है तो जो भी आपके बीच में इंफॉर्मेशन आएगी वो सबसे पहले उपलब्ध करा दूंगा मैं, कहीं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होता है या पोस्ट कितनी है, पहले क्या होगा इसमें, अब मैं बता दूं आपको, इसका भर्ती कराता है सीआरपीएफ खुद, तो सीआरपीएफ खुद कराता है तो इसमें पीईटी और पीएसटी लेता है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसकी सारी डिटेल में हम अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी ये वीडियो लगे तो कम से कम 20 मिनट इसमें चले जाएंगे, इसका अलग से वीडियो आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपका लिखित परीक्षा इसमें होता है। अब लिखित परीक्षा वो ही आपका जीडी वाला और वो ही आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन वाला सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद में इसमें ट्रेड टेस्ट होता है और उसके बाद में इसका मेडिकल होता है, या आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, एग्जाम कौन लेगा, एग्जाम इसका सीआरपीएफ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी डिटेल में आपको बातें करते रहेंगे। जब भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती आएगी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देने वाला मात्र एक यूट्यूब चैनल होगा, वो होगा ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2। तो जिस प्रकार आप मुझ पर प्यार बनाए हुए हैं उसी प्रकार प्यार बनाए रखेगा, और आगे आने वाले दिनों में जो भी 2022 की सबसे बड़ी भर्ती होगी उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। जय हिंद जय भारत। और बात इनके सीआरपीएफ डीडी की भर्ती की, तो सीआरपीएफ डीडी की भर्ती आपकी होगी कि नहीं होगी वो आपका वीडियो मिलेगा 2 दिन बाद, 2 दिन बाद जैसे मेरी को फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मैं आपको सीआरपीएफ डीडी के ऊपर भी वीडियो बनाकर अपडेट करता रहूंगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम मेरे देश के फौजी भाइयों। मैं बता दूं आपको कि जरूरी नहीं है कि आप फौजी बनो तभी आप देश की सेवा कर सकते हो, फौजी बोला जा सकते हैं। आप जिसने ये सोच रखा ना डिफेंस की तैयारी कर रहा वो भी अपने आप में एक फौजी है, तो वो भी उनको मैं फौजी बोल सकता हूँ मैं। और जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े ना वो लगभग तो सारे फौजी भाई हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी फौजी भाई आगे आने वाले दिनों फौजी बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, दे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आपको बता दूं आपके लिए हमेशा आपके लिए YouTube प्लेटफॉर्म साथ रहेगा और हमेशा साथ बना रहेगा, और आप भाइयों का जैसा प्यार मिल रहा है वैसा प्यार मुझ पर बना रखिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।